माननीय सभापति महोदय, देखिए ये एससी का बंदा है, इसके साथ मारपीट की गई, रिपोर्ट मेडिकल रिपोर्ट इसके पक्ष में आई है, गवाहों ने गवाही दी है, स्वर्ण समाज के लोगों ने गवाही दी है कि इसके साथ मारपीट हुई, लेकिन आज तक भी उन बंदों की गिरफ्तारी नहीं हुई है। 1/7/2020 से आज 21 चल रहा है और आज तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई, आज तक उनके खिलाफ चालान पेश नहीं हुआ। तो ये एससी एसटी के एक्ट के तहत जो मुकदमे दर्ज होते हैं उनकी समीक्षा कौन कर रहा है, कौन उनको देख रहा है? तो ऐसे में अनुसूचित जाति के व्यक्ति को न्याय कैसे मिलेगा? ये संभव है क्या? आप जाति सूचक शब्दों से आज भी विकासशील राजस्थान में, विकासशील देश में आज भी आप जो है ये बात कह रहे हो, नहीं छुआछात खत्म हो गया, नहीं ये सारी चीजें खत्म हो गई, पर गांव की स्थिति देखो माननीय सभापति महोदय, गांव में तो आज भी यही स्थिति है। शिक्षा से अपनी बात को शुरू करूंगी और इसलिए शुरू करूंगी क्योंकि अम्बेडकर जी ने कहा था, शिक्षित बनो, संगठित बनो और संघर्ष करो, क्योंकि जब तक शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकते जब तक आगे नहीं आ सकते। अनुसूचित जाति वर्ग का व्यक्ति गरीब परिवार से आता है और गरीब परिवार से आता है इसलिए वो सरकारी विद्यालयों में प्रवेश पाता है, सरकारी विद्यालयों में जाता है कि सरकारी विद्यालयों के माध्यम से शिक्षित बनकर के आगे बढ़े। लेकिन सरकारी विद्यालयों की क्या स्थिति है? सरकारी विद्यालयों में टीचर नहीं है, स्कूलों में शौचालय नहीं है, और तो और टीचर और शौचालय के अभाव में वहाँ जो पाठ्यक्रम पढ़ाया जाता है वो पाठ्यक्रम पढ़ाने के लिए उपयुक्त माहौल नहीं है। हम सब जानते हैं, मुझे ये बोलते हुए कतई दुख नहीं है कि शराब के लिए अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों के लिए कहा जाता है कि ये इनके यहाँ शराब का चलन बहुत अधिक है, और जानकारी में भी है, सबको मालूम है। जो स्वर्ण क्लास के लोग कहे जाते हैं उनको लगता है कि इनके यहाँ शराब का चलन नहीं है, लेकिन उनके वहाँ शराब का चलन है। और हम जानते हैं हमारी सांसी बस्ती में, कंजर बस्ती में अवैध शराब बनती भी है, बेची भी जाती है और खुले नाम बिकती है। और वो लोग, माननीय मुख्यमंत्री जी ने नवजीवन योजना प्रारंभ की, मुझे मालूम है 2008 का जब उनका कार्यकाल था माननीय सभापति महोदय, तो ये नवजीवन योजना वही लेके आए थे, ये बात सही है। और अब की बार उन्होंने नवयुवन योजना को नए कवर लेकर के उन्होंने वापस को लागू किया, पर ये नवजीवन योजना तो उनकी भलाई के लिए है, पर यदि हम पूरी तरह से उनकी भलाई चाहते हैं तो क्या हम इस प्रदेश में शराबबंदी नहीं कर सकते क्या? मैं सही बता रही हूँ आपको, यदि हम इस प्रदेश में शराबबंदी कर देते हैं ना, तो अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों पर जितना हम वेलविशर के लिए पैसा खर्च करते हैं, उनके कल्याण के लिए जितना पैसा खर्च करते हैं ना, वो कल्याण उनका माननीय सभापति महोदय ऑटोमेटिक आधी समस्या तो वैसे ही दूर हो जाएंगे, क्योंकि मजदूरी पे जाने वाला अनुसूचित जाति जनजाति का व्यक्ति, कोई मस्त्री है, कोई बेलदार है, वो सारा दिन भर तो कमाता है और शाम को ठेके पे जा करके आधी से ज्यादा कमाई वो ठेके पे दे देता है, शराब पी लेता है। वो महिला, जो परिवार की महिला है ना, वो इतना परेशान होती है, वो कुछ कह भी नहीं सकती सामाजिक रीति रिवाजों की वजह से, वो अपने पति को कुछ कह नहीं सकती है और वो खुद परेशान होती है कि बच्चों को कैसे पाले, आधी अधूरी औसत आयु उसकी पूरी नहीं हो पाती और वो शराब के कारण से उसका लीवर खराब है, उसकी किडनियाँ खराब हो गई, फिर उसका इलाज कराती फिरती है। तो ये शराब को हम बंद कर दें तो सारी समस्या एक बार में खत्म हो जाए। इसलिए मेरा माननीय मंत्री महोदय निवेदन है कि शराब को बढ़ाने की बजाय आप जो शराब नीति लेबर ले करके आए ना रेवेन्यू बढ़ाने के लिए, वो उससे गली गली मोहल्ले मोहल्ले में दुकानें खुलेंगी और मोहल्ले मोहल्ले में दुकानें खुल के शराब लेने वालों की तो पौ बार हो जाएगी, उसको घर से बाहर निकलते उसे शराब की दुकान मिलेगी और वहां से खरीद लेगा। तो मेरा निवेदन है कि ये शराब पर किसी ना किसी तरह से कंट्रोल हो जाए तो आधी से ज्यादा समस्याओं का समाधान इस शराब से हो सकता है। उत्पीड़न और अत्याचार की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, अत्याचारियों और अपराधियों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार उत्पीड़न निवारण अधिनियमों के प्रावधानों के तहत जिला स्तरीय समीक्षा समितियों में ना तो माननीय सभापति महोदय जिला कलेक्टर को इंटरेस्ट दिखाते हैं और ना एसपी महोदय इंटरेस्ट दिखाते, और उस वजह से उनकी दिलचस्पी इन विषयों में नहीं होने के कारण से उन अपराधियों को ना तो सजा मिलती है और ना पीड़िताओं को न्याय मिलता है। इसलिए आपसे निवेदन करना चाहती हूँ कि जिला स्तरीय जो समीक्षा समितियाँ बनी हुई हैं, जो कलेक्टर की अध्यक्षता में जो समीक्षा समितियाँ बनी हुई हैं, उन समीक्षा समितियों की नियमित रूप से मॉनिटरिंग के लिए राज्य स्तर पर, प्रदेश स्तर पर कोई अधिकारी नियुक्त होना चाहिए। हमारे प्रभारी सचिव भी लगे हुए हैं, लेकिन प्रभारी सचिवों के पास इतना समय नहीं होता कि वो एक एक बात की वहाँ समीक्षा कर सके, इसलिए इस बिंदु को विशेष रूप से सरकार देखे और इसको देखते हुए विशेष व्यवस्था की जानी चाहिए, सरकार की ओर से निर्देश होने चाहिए कि वो इन बिंदुओं पर भी जाकर के चर्चा करें।
तब जाकर के नीचे इंटरेस्ट जागेगा, नहीं तो ऐसे ही वर्षों से जो व्यवस्थाएं चली आ रही हैं वो होती रहेंगी। माननीय सभापति महोदय, न्याय को सुलभ कराने के लिए आप ये देखिए, सामाजिक रूप से पिछड़े लोगों को, अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को माननीय अम्बेडकर जी ने रिजर्वेशन का प्रावधान रखा। और इसलिए रिजर्वेशन का प्रावधान रखा क्योंकि उस समय की परिस्थितियां बहुत विपरीत थीं, प्रतिकूल परिस्थितियों में ये वर्ग कैसे आगे आए, हिंदू समाज कैसे संगठित हो, और ये जो हिंदू समाज में बंटवारा हो रखा है ना, वो बंटवारा खत्म हो, उस नाते से उन्होंने रिजर्वेशन की व्यवस्था करी। परंतु ये रिजर्वेशन की व्यवस्था आज की परिस्थितियों में किस रूप में लागू हो रही है आप देखिए, आज की परिस्थितियों में ना तो रिजर्वेशन के उस अनुपात में उन सीटों को रिजर्व किया जा रहा है, और ना ही पदोन्नति में आरक्षण जो पहले से प्रावधान है उनको दिया जा रहा है। इसलिए माननीय मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करूंगी कि शैक्षणिक संस्थाओं में और बाकी की जितनी संस्थाएं हैं उनमें, सरकारी सेवाओं में, शैक्षणिक संस्थानों में ये सुनिश्चित किया जाए कि आरक्षण की व्यवस्था का अक्षरश पालना की जा रही है, संवैधानिक प्रावधानों को अनुसार उनको जो है पद आवंटित किए जा रहे हैं। माननीय सभापति महोदय, मैं एक उदाहरण आपको देना चाहूँगी, जिस अत्याचार की मैंने बात करी है ना, उसके बारे में माननीय मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगी। मेरे पास ये FIR की कॉपी है और ये FIR अनुसूचित जाति जनजाति एक्ट में ये FIR दर्ज है। FIR का नंबर है 0154, 13/7/2020 को ये FIR दर्ज करी, मुकेश भाट सन ऑफ तेजाराम भाट, बड़गांव का निवासी, जिसने आदर्श नगर थाने में ये मुकदमा दर्ज कराया। माननीय सभापति महोदय, देखिए ये SC का बंदा है, इसके साथ मारपीट की गई, रिपोर्ट मेडिकल रिपोर्ट इसके पक्ष में आई है, गवाहों ने गवाही दी है, स्वर्ण समाज के लोगों ने गवाही दी है कि इसके साथ मारपीट हुई, लेकिन आज तक भी उन बंदों की गिरफ्तारी नहीं हुई है। 1/7/2020 से आज 21 चल रहा है और आज तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई, आज तक उनके खिलाफ चालान पेश नहीं हुआ। तो ये SC/ST के एक्ट के तहत जो मुकदमे दर्ज होते हैं उनकी समीक्षा कौन कर रहा है, कौन उनको देख रहा है? तो ऐसे में अनुसूचित जाति के व्यक्ति को न्याय कैसे मिलेगा, ये संभव है क्या? आप जाति सूचक शब्दों से आज भी विकासशील राजस्थान में, विकासशील देश में आज भी आप जो है ये बात कह रहे हो, नहीं छुआछात खत्म हो गया, नहीं ये सारी चीजें खत्म हो गई, पर गांव की स्थिति देखो माननीय सभापति महोदय, गांव में तो आज भी यही स्थिति है। और ये मेरे शहर के बिल्कुल अड़ते हुए बड़गांव की बात मैं बता रही हूँ, मैंने FIR नंबर आपको नोट कराया है। इसलिए माननीय सभापति महोदय निवेदन करती हूँ कि जब तक शिक्षा का प्रचार प्रसार नीचे के स्तर तक नहीं होता है, तब तक ये वर्ग अपने अधिकारों के लिए संघर्ष नहीं कर सकता, क्योंकि जानकारी के अभाव में, शिक्षा के अभाव में आज भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सरकारी सेवाओं का लाभ नहीं उठा पाते हैं। इसलिए माननीय सभापति महोदय निवेदन करती हूँ, शिक्षा से अपनी बात को शुरू करूँगी, और इसलिए शुरू करूँगी क्योंकि अम्बेडकर जी ने कहा था, शिक्षित बनो, संगठित बनो और संघर्ष करो, क्योंकि जब तक शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकते जब तक आगे नहीं आ सकते। अनुसूचित जाति वर्ग का व्यक्ति गरीब परिवार से आता है, और गरीब परिवार से आता है इसलिए वो सरकारी विद्यालयों में प्रवेश पाता है, सरकारी विद्यालयों में चाहता है कि सरकारी विद्यालयों के माध्यम से शिक्षित बनकर के आगे बढ़े। लेकिन सरकारी विद्यालयों की क्या स्थिति है? सरकारी विद्यालयों में टीचर नहीं है, स्कूलों में शौचालय नहीं है, और तो और टीचर और शौचालय के अभाव में वहाँ जो पाठ्यक्रम पढ़ाया जाता है वो पाठ्यक्रम पढ़ाने के लिए उपयुक्त माहौल नहीं है। मैं जब मंच से ये बात कहती हूँ कि यदि परिवार को शिक्षित करना है तो बालिका को शिक्षित करना पड़ेगा, यदि आप एक अनुसूचित जाति की बालिका को शिक्षित कर देते हैं ना माननीय सभापति महोदय, तो आप पूरे परिवार को शिक्षित कर सकते हैं। इसलिए एक बालिका पढ़ेगी तो पूरा परिवार पढ़ेगा। पर बालिकाओं की क्या स्थिति है? क्या वो स्कूल में प्रवेश कर रही है क्या? इस कोरोना के काल में पूरी बालिकाओं की शिक्षा जो है वो शिक्षा से महरूम हो गई, क्योंकि एक वर्ष तक पूरे घर बैठी हैं वो, और स्कूल जब आती है तो स्कूल में उनके साथ क्या हो रहा है? देखिए माननीय सभापति महोदय, वर्ष 2019-20 में 20 से अधिक मामले ऐसे प्रकाश में आए हैं जिनमें अध्यापकों द्वारा
बालिकाओं के साथ छेड़छाड़ और बलात्कार की घटनाएं घटित होती। अब वो बालिका जो घर से चल करके आई है स्कूल में शिक्षा लेने के लिए, और जो शिक्षा देने का दायित्व जिसके कंधे पर है वो उसके साथ बलात्कार करता है, तो क्या एक संभ्रांत परिवार का व्यक्ति उस अपनी बालिका को विद्यालय भेजने की हिम्मत कर सकता है क्या? कैसे वो बालिका विद्यालय आएगी? और विद्यालय आएगी तो ऐसे दरिंदगों से नौची जाएगी। क्या हम ऐसे दरिंदों को जेल की सलाखों के पीछे नहीं पहुंचा सकते क्या? उनको नौकरी से बर्खास्त नहीं कर सकते क्या? पर हम नहीं करेंगे, क्योंकि ये तो होता रहा है, होता रहेगा, और इसी को नियति मान करके हम चलते रहेंगे। तो इसलिए माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहती हूँ कि इस प्रकार की जो बालिकाओं के साथ में जो घटनाएं घटित होती हैं उनको तुरंत प्रभाव से रोका जाए, ना केवल रोका जाए बल्कि ऐसे लोगों को कठोर से कठोर सजा दी जाए, ताकि कोई दूसरा व्यक्ति इस प्रकार की घटना कारित करने से बच सके। जब स्कूल ही सुरक्षित नहीं है तो फिर और क्या बचा है इस समाज में सुरक्षा के लिए? तो स्कूलों को तो सुरक्षित करना पहली हमारी जिम्मेदारी है, पहला दायित्व हमारा है। इसलिए विशेषकर बालिकाओं के संदर्भ में मैं निवेदन करूंगी कि स्कूलों को सुरक्षित रखा जाए। माननीय सभापति महोदय, प्रमोशन में आरक्षण के लिए निवेदन करूंगी, क्योंकि आरक्षित पदों पर भर्ती हो ये तो अति आवश्यक है ही है, लेकिन उन पदों पर भर्ती होने के बाद में प्रमोशंस भी आरक्षण के पदों पर हो वो भी बहुत जरूरी है, क्योंकि उससे भी विभाग में जो अधिकारी काम करते हैं ना, वो कई बार अच्छी योग्यता रखने के बावजूद भी वो उनको कुंठित होना पड़ता है और वो ठीक प्रकार से अपनी सेवाएं नहीं दे पाते। इसलिए प्रत्येक विभाग में रोस्टर रजिस्टर संधारण का प्रावधान होना चाहिए, क्योंकि अधिकांश विभागों में ये रजिस्टर ढंग से संधारित नहीं हो रहा है। और इसके साथ ही निवेदन करती हूँ कि यदि संधारण हो रहा है तो उसको अपडेट करके उसको सार्वजनिक किया जाना चाहिए, ताकि सार्वजनिक होने से विभागीय वेबसाइट पर जो पदवार संवर्गवार जो खाली पद हैं वो प्रदर्शित हो सकते हैं, ताकि वंचित वर्गों को अपने हक के प्रति जागरूकता बढ़ेगी, और ना केवल बढ़ेगी बल्कि अनावश्यक जो भ्रम उनके मन में होता है ना सरकारों के प्रति, मंत्रियों के प्रति, वो भ्रम भी उनका टूटेगा और उनको क्लियर चीज़ें पता होंगी कि हमें इन इतने पद हमारे हक के हैं और उतने पदों पर हमें इतने पदों पर भर्ती होनी चाहिए। माननीय सभापति महोदय, बहुत सारी चीज़ें, बहुत समय से सरकारें इस वर्ग के सामाजिक उत्थान की बातें करती हैं, बहुत सारी योजनाएं भी लेके आती हैं, पर आप देखिए जब अनुसूचित जाति जनजाति का जो प्रतिशत है हमारे राजस्थान में 16% है, कभी अभी शायद जनगणना होगी तो 17 या 18% हो जाएगा। माननीय मंत्री महोदय, इतने प्रतिशत के अनुपात में जितनी योजनाएँ हम बनाते हैं, क्या उन योजनाओं में इतना लक्ष्य रखते हैं क्या? नहीं रखते हैं, और उसी का कारण है कि हम लक्ष्य के अभाव में उन सभी वर्गों को लाभ नहीं दिला पाते जिनको लाभ दिलाने की आवश्यकता है। अब मैं एक योजना का जिक्र आपके सामने करूंगी। माननीय मंत्री महोदय, आप मंत्रिमंडल में प्रभावी मंत्री हैं, इसलिए आपको निवेदन करूंगी, आपको संबोधित करके निवेदन करूंगी कि मैं एक एक योजना करके आऊँगी। मैं एक योजना मुख्यमंत्री कन्यादान योजना का जिक्र करना चाहूँगी। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने 2019 में मुख्यमंत्री कन्यादान योजना की घोषणा की। जन घोषणा पत्र के पेज नंबर 33 के बिंदु संख्या 13 में यह कहा गया कि बीपीएल परिवारों की विधवाओं पुत्रियों के पुनर्विवाह हेतु राशि बढ़ाई जाएगी। ठीक बात है, अच्छी बात है, करना चाहिए, लेकिन यह जन घोषणा पत्र में लिखा गया है पर हमने किया क्या है, इसकी ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी और हाथ जोड़ के आपसे निवेदन करूंगी कि इस त्रुटि को ठीक कराइए। माननीय मुख्यमंत्री महोदय को कह के उन्होंने, माननीय सभापति महोदय, क्या किया है, सरकार ने राशि बढ़ाने की बजाय इसको कम किया है। कैसे कम किया वो मैं बताती हूँ। जो बीपीएल परिवारों की विधवा पुत्रियों की बेटी की योजना जो पहले थी ना, उसमें क्या प्रावधान था? उसमें प्रावधान था, पूर्व में जिस इस योजना में प्रावधान था कि 10वीं पास होने पर उस बीपीएल परिवार की विधवा की बेटी की शादी पर यदि वो 10वीं पास है वो बेटी, तो उसको 11,000 मिलेंगे। यदि वो बेटी 12वीं पास है तो उसको 21,000 मिलेंगे, और यदि वो बेटी ग्रेजुएट है तो उसे 31,000 मिलेंगे। ये बीपीएल श्रेणी की विधवाओं की बेटियों की शादी का प्रोविज़न ये था, लेकिन जन घोषणा पत्र में कहा हम राशि बढ़ाएंगे। अब क्या किया उन्होंने, इस योजना को नामकरण दूसरा करके नया कवरेज दिया है ना, और वो कवरेज दिया मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के नाम से। और किया क्या है, इस योजना में 8वीं पास का एक मापदंड निर्धारित किया सिर्फ,
कि 18 साल की होनी चाहिए और 8वीं पास होनी चाहिए, और 8वीं पास का मापदंड निर्धारित करते हुए सभी के लिए 21,000 रुपये की सहायता राशि हतलेवा हेतु तय की है। तो अब इससे होगा क्या कि बीपीएल परिवार की विधवाओं की बेटियों के लिए ये लक्ष्य, तो जो ग्रेजुएशन के बाद में 31,000 उसको मिलता तो वो ग्रेजुएशन काय को करेगी, वो 8वीं पास करके उसको 21,000 मिल रहे तो वह ठीक है, वेल एंड गुड है। तो जो पढ़ने की इच्छा होती है ना अंदर से, जो एक ललक होती है कि भाई नहीं मुझे पढ़ना है, मुझे 31,000 प्राप्त करने है तो मुझे ग्रेजुएट बनना है, तो वो तो खत्म हो गई इस योजना से आपकी। ये ठीक है कि 8वीं पास को भी अब 21,000 रुपये मिल रहे हैं, पहले 8वीं पास को 21,000 नहीं मिलते थे, पर इससे शिक्षा के प्रति बेटियों में हतोत्साह होगा, ये हतोत्साहित होंगी। ये हतोत्साह नहीं हो इसके लिए इस योजना को वापस पुनर्गठन कराइए माननीय मंत्री महोदय, और वापस इसको रीशफलिंग करके कुछ ऐसा प्रावधान किए जिससे इसको शिक्षा से जोड़ सके। माननीय सभापति महोदय, दूसरा निवेदन करती हूँ मैं शराब के लिए। हम सब जानते हैं, मुझे ये बोलते हुए कतई दुख नहीं है कि शराब के लिए अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों के लिए कहा जाता है कि ये इनके यहाँ शराब का चलन बहुत अधिक है, और माल जानकारी में भी है, सबको मालूम है। जो स्वर्ण क्लास के लोग कहे जाते हैं उनको लगता है कि इनके यहाँ शराब का चलन नहीं है, लेकिन उनके वहाँ शराब का चलन है। और हम जानते हैं हमारी सांसी बस्ती में, कंजर बस्ती में अवैध शराब बनती भी है, बेची भी जाती है और खुले नाम बिकती है। और वो लोग, माननीय मुख्यमंत्री जी ने नवजीवन योजना प्रारंभ की, मुझे मालूम है 2008 का जब उनका कार्यकाल था माननीय सभापति महोदय, तो ये नवजीवन योजना वही लेके आए थे, ये बात सही है। और अब की बार उन्होंने नवयुवन योजना को नए कवर देकर के उन्होंने वापस को लागू किया, पर ये नवजीवन योजना तो उनकी भलाई के लिए है। पर यदि हम पूरी तरह से उनकी भलाई चाहते हैं तो क्या हम इस प्रदेश में शराबबंदी नहीं कर सकते क्या? मैं सही बता रही हूँ आपको, यदि हम इस प्रदेश में शराबबंदी कर देते हैं ना, तो अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों पर जितना हम वेलविशर के लिए पैसा खर्च करते हैं, उनके कल्याण के लिए जितना पैसा खर्च करते हैं ना, वो कल्याण उनका माननीय सभापति महोदय ऑटोमेटिक आधी समस्या तो वैसे ही दूर हो जाएंगी। क्योंकि मजदूरी पे जाने वाला अनुसूचित जाति जनजाति का व्यक्ति, कोई मस्त्री है कोई बेलदार है, वो सारा दिन भर तो कमाता है और शाम को ठेके पे जा करके आधी से ज़्यादा कमाई वो ठेके पे दे देता है, शराब पी लेता है। वो महिला जो परिवार की महिला है ना, वो इतना परेशान होती है, वो कुछ कह भी नहीं सकती सामाजिक रीति रिवाजों की वजह से, वो अपने पति को कुछ कह नहीं सकती है, और वो खुद परेशान होती है कि बच्चों को कैसे पाले, आधी अधूरी औसत आयु उसकी पूरी नहीं हो पाती, और वो शराब के कारण से उसका लीवर खराब है, उसकी किडनियाँ खराब हो गई, फिर उसका इलाज कराती फिरती है। तो ये शराब को हम बंद कर दें तो सारी समस्या एक बार में ख़त्म हो जाए। इसलिए मेरा माननीय मंत्री महोदय निवेदन है कि शराब को बढ़ाने की बजाय आप जो शराब नीति लेवल ले कर के आए ना रेवेन्यू बढ़ाने के लिए, वो उससे गली गली मोहल्ले मोहल्ले में दुकानें खुलेंगी, और मोहल्ले मोहल्ले में दुकानें खुल के शराब लेने वालों की तो पौ बार हो जाएगी, उसको घर से बाहर निकलते से शराब की दुकान मिलेगी और वहाँ से खरीद लेगा। तो मेरा निवेदन है कि ये शराब पर किसी ना किसी तरह से कंट्रोल हो जाए तो आधी से ज़्यादा समस्याओं का समाधान इस शराब से हो सकता है। इसलिए माननीय मंत्री महोदय आगे निवेदन करना चाहूँगी पालानार योजना के लिए। मैं माननीय मुख्यमंत्री वसुंधरा जी को बधाई देती हूँ कि वो उनके कार्यकाल में पिछले पहला जब उनका कार्यकाल था तो वो पालानार योजना लेकर के आए, लेकिन इस पालानार योजना में जो राशि आप देते हैं ना 2,000 रुपये की राशि, वो 2,000 रुपये की राशि को बढ़ाने की आवश्यकता है। आपने अच्छा किया माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने घोषणा करी इस बजट में और पिछले बजट में घोषणा करी कि वो संभाग मुख्यालयों पर और जयपुर में 18 साल पूरी कर चुके बालकों के लिए आवासीय छात्रावास खोलेंगे जो पालानार योजना के पात्र लोग हैं। पर अभी वो खुला है कि नहीं खुला है, कहाँ संचालित हो रहा है, कितने बच्चे उसमें, इसका कोई जिक्र नहीं है। इसलिए जवाब देते समय यदि ये बताएंगे तो उस पूरे प्रदेश के लोगों को ये संदेश मिलेगा कि हाँ ये संचालित है और पालानार में ऐसे बच्चे जो एडमिशन लेना चाहते हैं वहाँ जा करके एडमिशन ले सकते हैं। आगे माननीय मुख्यमंत्री माननीय सभापति महोदय, मैं मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना की ओर माननीय मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करती हूँ। ये अनुप्रति योजना जो थी माननीय सभापति महोदय, हमारे यहाँ जो 12 से माननीय सदस्य आते हैं, मदन दिलावर जी जब मंत्री हुआ करते थे इस विभाग के, तब वो ये योजना लेके आए थे।
ये योजना बहुत अच्छी है। अनुसूचित जाति जनजाति के सैकड़ों छात्र छात्राओं ने इन योजना का लाभ उठा करके, कोचिंग की फीस उनके पास नहीं होती है, लेकिन सरकार जब उनको ये कोचिंग की फीस देती है तो उनको हिम्मत आती है कि हम RS की परीक्षा दे सकते हैं, हम IAS की परीक्षा दे सकते हैं और हम भी बड़े पदों पर जा सकते हैं। लेकिन पिछले 2 सालों से इस योजना को माननीय मंत्री महोदय बंद कर दिया था, इस योजना में पैसा ही नहीं दे रहे थे। इस बजट में माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने इस योजना की घोषणा की है, लेकिन इसमें कितने लोगों को शामिल किया? SC ST OBC MBC EWS, अब इतने प्रकार के छात्रों को इसमें शामिल कर दिया और इसका जो टारगेट है वो सिर्फ 5,000 स्टूडेंट्स तक ही रखा है। अब इतने सारे लोगों को आप इसमें शामिल करोगे, फिर 5,000 स्टूडेंट्स को ही रखोगे, तो SC ST के कितने सारे स्टूडेंट्स आएंगे? 100, ज़्यादा से ज़्यादा 100 स्टूडेंट्स आ सकते हैं, बस इससे ज़्यादा SC ST के स्टूडेंट्स नहीं आएंगे। इसलिए या तो इनको अलग अलग किया जाए या फिर ये 5,000 की जो संख्या है उसको बढ़ा करके कम से कम 25,000 करना चाहिए, तब जाकर के उन विद्यार्थियों को इसका लाभ मिलेगा, नहीं तो ये ऊँट के मुँह में जीरा जितना ही है, ज़्यादा लाभ इन विद्यार्थियों को नहीं मिलने वाला है। इसके अतिरिक्त माननीय सभापति महोदय, मैंने जिक्र किया था आपको श्रमिकों के कल्याण के लिए, श्रमिकों के कल्याण के लिए जितनी भी योजनाएं श्रम विभाग द्वारा संचालित हो रही हैं, अभी कुछ दिनों पहले शुभ शक्ति योजना का जिक्र आया था कि हमारे पास पैसा नहीं है और इस कारण से हम उसका लाभ नहीं दे सकते, पर मेरा निवेदन इतना सा है, एक तो शुभ शक्ति योजना और एक छात्राओं को जो छात्रवृत्ति मिलती है जो श्रमिक कल्याण वाली योजनाओं में, वो छात्रवृत्ति पूरी तरह से बंद है। तो मैं सभापति महोदय आपके माध्यम से सरकार से ये निवेदन करना चाहती हूँ कि सिर्फ 2 योजनाएँ, एक तो शुभ शक्ति योजना और एक छात्रवृत्ति वाले, यदि ये टारगेट आप पूरा कर लेते हैं तो छात्रवृत्ति मिलने से, पैसा मिलने से उनको जो है एक राशि जब हाथ में आती है ना, तो पढ़ाने के समय जो बुक्स की आवश्यकता होती है, जो और चीज़ों की आवश्यकता होती है, उनको वो पूरा करने में सक्षम बन सकते। माननीय सभापति महोदय, चूँकि आजकल मैं आपको एक प्रैक्टिकल समस्या बता रही हूँ, अभी घर बैठे बच्चों की पढ़ाई हुई क्योंकि कोरोना काल था, ऑनलाइन पढ़ाई थी। अब ऑनलाइन पढ़ाई में जब तक आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन नहीं होगा ना, तब तक वो बच्ची चाहे सरकारी स्कूल में पढ़ने वाली है वो फ़ोन पर नहीं पढ़ सकती। अब उसके पूरे परिवार में एंड्रॉयड फ़ोन है ही नहीं, वो पढ़ेगी कैसे? तो एंड्रॉयड फ़ोन के लिए कम से कम 20-25-30 हज़ार रुपये तो चाहिए ही चाहिए। तो यदि उसको स्कॉलरशिप समय पर मिल जाए, और ये स्कॉलरशिप जो अन्य अन्य विभागों से मिल रही है, यदि ये समय पर मिल जाए तो मैं समझती हूँ कि उसकी पढ़ाई में किसी प्रकार की बाधा नहीं आएगी। समाप्त करें। और मैं तो अभी स्टार्ट ही किया माननीय सभापति महोदय, 20 मिनट का टाइम है आपके, ऑलरेडी 22 मिनट हो चुके हैं। फटाफट करती हूँ, पूरा करती हूँ माननीय सभापति महोदय। इसलिए मैं निवेदन कर रही हूँ माननीय मंत्री महोदय, मेरे MBS यूनिवर्सिटी से संबद्ध जितने भी कॉलेज हैं, लगभग 150-200 कॉलेज होंगे MBS यूनिवर्सिटी से संबंधित, उस MBS यूनिवर्सिटी से संबंधित जितने कॉलेज हैं उनको 3-4 साल से संबद्धता ही नहीं मिल रही है, और उन्होंने MBS कॉलेज ने मेडल दे दिया, डिग्री दे दिया, लेकिन संबद्धता नहीं दी अभी तक भी। और संबद्धता नहीं देने के कारण से अब चूंकि छात्रवृत्ति वाले डिपार्टमेंट ने ये रोड़ा अटका दिया कि जब तक संबद्धता नहीं होगी तब तक हम छात्रवृत्ति नहीं देंगे, तो ऐसे कम से कम 15-20 हज़ार स्टूडेंट हैं जिनको छात्रवृत्ति नहीं मिली है। इसलिए MBS यूनिवर्सिटी को संबद्धता मिले ताकि वो 20,000 लोग भी छात्रवृत्ति लेने से महरूम नहीं मिले। माननीय सभापति महोदय, बस दो पॉइंट एक एक आधा आधा सेकंड में पूरा करती हूँ। एक विधवा और वृद्धावस्था पेंशन की बात कर रहे थे, माननीय मंत्री महोदय की तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहूँगी कि विधवा और वृद्धावस्था पेंशन में प्रतिवर्ष उस वृद्ध व्यक्ति को अपने जीवित होने का प्रमाण पत्र देना पड़ता है डिपार्टमेंट में जा करके, ई मित्र पर जा करके। अब बहुत सारे वृद्ध लाखों में हैं, उनको पेंशन मिलती है, लेकिन हर दूसरे साल तीसरे साल में ऐसे हजारों प्रकरण ध्यान में आ रहे हैं जिनको ये पता नहीं है कि उनको जीवित होने का प्रमाण पत्र ई मित्र पर जा करके देना है। इसलिए वो जीवित होने का प्रमाण पत्र की यदि बाध्यता खत्म कर दे। अगर आप चाहते हैं गरीब हर वंचित इंसान की आवाज आप तक पहुंचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। देखते रहिए भोजन हलचल न्यूज़।